जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लो फेंग था उसने टियान चैन को अपना स्लेव बना लिया था, लेकिन टियान चैन को पकड़ने के बाद लो फेंग को पता चलता है कि टियान चैन जो है वो ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अपने साथियों को मैसेज भेज चुका है। और इसी के साथ आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब लो फेंग के लोकेशन के ऊपर आना स्टार्ट हो चुके थे। इवन थॉट जो लो फेंग था उसने ऑलरेडी अपना ऑर्डर दे दिया था और वो यहाँ से भागने की पूरी पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन ऑलरेडी आसपास के स्पेस के अंदर रिपल्स आना शुरू हो गए थे। मतलब काफ़ी सारे वॉरियर्स यहाँ पर टेलीपोर्ट होना शुरू हो चुके थे और उन्होंने यहाँ पर टेलीपोर्ट होते ही यहाँ पर स्पेस लॉकडाउन कर दिया था, जिसके कारण जो लो फेंग था वो यहाँ से भाग नहीं पाया था। इसी के साथ हम लोग को कुल मिला के 3 टीम्स देखने के लिए मिलती है जो अचानक से अपीयर हो जाती है। और जैसे ही वो अपीयर होती है वो इधर उधर देखने लग जाती है और अपने टारगेट को ढूंढने लग जाती है। वो एक दूसरे से पूछती है कि वो अदर रेसेस की टीम कहाँ पे है जिन लोगों ने टियान चैन के ऊपर अटैक किया था। गाइस ये जो अदर रेसेस की टीम है ये और कोई नहीं लुओ फेंग के स्लेव्स है। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब इन तीनों टीम्स को आसपास कोई नहीं मिलता तब वो लोग अपनी अनडाइंग एनर्जी और स्कैनर्स को चालू कर देते हैं। अपनी अनडाइंग एनर्जी और स्कैनर्स को सर्च करने के बाद भी इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इनमें से एक पर्सन होता है जिसको फाइनली अपने स्कैनर के अंदर कुछ मिलता है। और ये जो पर्सन था गाइस ये एक स्नो फरी मंकी जैसा दिख रहा था। इसकी खासियत है शार्प नोज थी और ये कहता है कि तुम्हारे स्कैनर ने शायद कुछ डिटेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन मेरा जो स्कैनर है उसने डिटेक्ट कर लिया है। मेरे जो स्मॉल स्कैनर है वो 22 किलोमीटर तक के एरिया को स्कैन कर सकता है। तभी ये जो बंदा होता है ये एक जगह पर एक लोकेशन को पॉइंट आउट करता और कहता है कि मुझे उस जगह से फील हो रहा है कुछ, तो भी हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी आसपास के लोग थोड़ा बहुत शक करने लग जाते, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि ये स्नो हॉर्न एम्परर है और इसका जो स्कैनर है इसका मिनी स्कैनर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम में से किसी भी के भी स्कैनर की बराबरी इसके स्कैनर के साथ नहीं की जा सकती, तो हमें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गॉड एनर्जी जो होती है वो चारों तरफ पूरी तरीके से पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है, जिसके कारण काफ़ी सारे जो हिडन है रीजन्स होते हैं वो सडनली काफ़ी ज़ोर ज़ोर से एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी जो टीम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि बी केयरफुल, ये जो वॉरियर है ये एम्परर लिमिट का वॉरियर है। जो लोग थे ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये जो लो फेंग की टीम है ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। वैसे इन लोगों को नहीं पता कि ये लो फेंग की टीम है। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो 3 टीम्स थी इनके अंदर कुल मिला के 16 वॉरियर्स थे, और जिसके अंदर से जो 9 वॉरियर्स थे 9 एम्परर लिमिट के वॉरियर थे, और उसके अंदर से भी 3 पेनिकल सोल मास्टर्स थे और 4 एम्परर पेनिकल्स थे। इसी के बाद हमें एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि इनकी हिम्मत कैसी हुई ये सेम रेस के वॉरियर को मारने की, और वैसे भी ये ह्यूमन कैंप के वॉरियर को मारना चाहते हैं, क्या ये सब लोग मरना चाहते हैं? ऐसी जैसी ये जो आवाज़ हटती है इसी के साथ हम लोग को 3 लोग देखने के लिए मिलते हैं, और ये 3 लोग और कोई नहीं एक लो फेंग था जो ब्लड रिवर एम्परर नाम से भी जाना जाता था, और उसके साइड में हम लोग को टियान चैन और हैवी एरो भी देखने के लिए मिल सकता था। सॉरी गाइस हैवी एरो नहीं था, जी होंग एम्परर था। जैसे ही वो जो 3 टीम्स होती है वो लो फेंग को और टियान चैन को एक साथ देखती तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहते हैं अरे ये तो ब्लड रिवर है और ये तो टियान चैन है। उन सब लोगों को पता था कि ये जो ब्लड रिवर और टियान चैन है ये काफ़ी अच्छे खासे दोस्त है और ये काफ़ी ज़्यादा जिगरी दोस्त है, क्योंकि पिछले बार सेक्रीफाइजल टावर के अंदर स्टार टावर के अंदर जब लो फेंग मरने वाला था तभी भी टियान चैन उसी के साथ था। और गाइस ये जो लो फेंग और ब्लड रिवर है ये 2 अलग अलग आइडेंटिटी है, तो अभी इन सब लोगों के लिए जो लो फेंग है वो ब्लड रिवर है और जो लो फेंग है वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन है। इन लोगों की ब्लड रिवर को देखते ही पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ब्लड रिवर स्टार टावर के अंदर काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ हल्ला मचा रहा है, और साथ ही साथ ब्लड रिवर के बारे में इन लोगों ने भी काफ़ी कुछ सुन के रखा था। और आफ्टरऑल जो ब्लड रिवर था वो एक ह्यूमन कैंप से था, तो ह्यूमन कैंप के लोगों को जो बाकी रेसेस के लोग हैं वो इतनी जल्दी मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, क्योंकि ह्यूमन कैंप के लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया जाता था इन सब चीज़ों के अंदर। इवन अगर उन्होंने ब्लड रिवर को इस वक्त मारा तो हो सकता था कि आर्मी सिस्टम आके इन सब लोगों की ऐसी की तैसी कर सकती थी। तभी इन टीम में से एक बंदा आता है सामने और कहता है ब्लड रिवर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें नहीं पता था कि ये तुम हो। और फिर बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ ब्लड रिवर और टियान चैन, हमें लगा कि ये बाकी लोगों की रेस की टीम है जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगी थी। तभी जो लो फेंग होता है वो कहता है इन लोगों को कि मैं ऑलरेडी उन लोगों को भगा चुका हूँ मार के जो लोग टियान चैन के ऊपर अटैक कर रहे थे। जो लो फेंग था ये सब लो फेंग का ही प्लान था, क्योंकि गाइस जो टियान चैन है वो ऑलरेडी अभी लुओ फेंग के कब्जे में आ चुका है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को नहीं पता है। और जो टियान चैन था वो ऑलरेडी अपनी मदद के लिए बुला चुका था, तो अभी इन लोगों को जब टियान चैन को ये लोग सही सलामत पूरी तरीके से देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उनको लगता है कि जो टियान चैन है वो शायद से पूरी तरीके से ठीक है, और क्योंकि उसके साथ ब्लड रिवर है तो इसका मतलब ब्लड रिवर ने ज़रूर उसको बचा लिया होगा। वैसे भी टियान चैन और ब्लड रिवर को काफ़ी अच्छे खासे दोस्त माना जाता था, वो बात अलग था अंदर ही अंदर इन लोगों के अलग ही
दुश्मनी चल रही थी इतने सालों से, और लियो फेंग को ये चीज़ भी पता चल गई थी कि इनमें से एक पर्सन को ऑलरेडी इन लोगों की लोकेशन पता चल चुकी है। इसलिए इमिडिएटली जो लियो फेंग है उसने अपने सारे स्लेव्स को अंदर रख लिया और बाहर बस जी होंग और टियान चैन को बाहर लाया, ताकि इन दोनों को बाहर लाते हुए वो इन लोगों को यह एहसास दिला सके जो टियान चैन है वो पूरी तरीके से ठीक है, और जो बाकी रेसेस के वॉरियर्स आए थे टियान चैन को मारने के लिए उन सब लोगों को ऑलरेडी जो लियो फेंग है वो मार के भगा चुका है। इसी के साथ साथ गए जो लियो फेंग था वो आर्मी सिस्टम के अंदर से भी था, मतलब ह्यूमन कैंप्स के अंदर से था, तो अगर आज इन्होंने लियो फेंग को कुछ किया होता तो लियो फेंग मतलब आर्मी सिस्टम जो था वो लियो फेंग की तरफ से इन लोगों की तरफ से बदला लेने आ सकता था। और वैसे भी इन लोगों को ये भी पता था कि जो लियो फेंग है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ब्लड रिवर एम्परर का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, वो कुछ सेकेंडोज में एम्परर लेवल के वॉरियर्स को ऐसे ही मार देता है। इसी के साथ वो जो तीन टीम्स होती है वो लियो फेंग के आगे जाने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करती, लेकिन उनमें से एक पर्सन ये नोटिस करता है जो टियान चैन है उसकी बॉडी एनर्जी काफी ज्यादा वीक नजर आ रही है और वो लगभग लगभग आधी से ज्यादा अपनी अनडाइंग बॉडी को खो चुका है। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि मे भी हो सकता है कि जो टियान चैन है वो जब पहले फाइट कर रहा था लोगों से तो उनसे फाइट करने के लिए उसने अपनी आधी बॉडी को पूरी तरीके से बर्न आउट कर दिया होगा, लेकिन सही टाइम पर आके जब उसकी जान जाने वाली थी तभी जो ब्लड रिवर है उसने आके टियान चैन की जान बचा ली होगी। सच्ची में अगर दोस्ती हो तो ब्लड रिवर और टियान चैन जैसी ये लोग कितने अच्छे दोस्त है, करके एक दूसरे के लिए लाइफ एंड डेथ ब्रदर्स जैसे है। जैसे टियान चैन को लियो फेंग की जरूरत पड़ी टियान चैन सबसे पहले लियो फेंग को आवाज़ दी और उसके बाद बाकी लोगों को भी सिग्नल्स भेज दिए, लेकिन हमसे भी पहले लियो फेंग यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ गया, आई मीन टू से ब्लड रिवर एम्परर यहाँ पे आ गया। और साथ ही साथ जब पिछले बार स्टार टावर के अंदर जब ये जो पर्सन था ब्लड रिवर एम्परर ये जब डेंजर रीजन के अंदर गिर रहा था तभी भी जो टियान चैन था उसने उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम से एक एग्जिट ओपन हो जाता है जिसके अंदर ये जो पर्सन था ब्लड रिवर एम्परर ये खो गया था। लेकिन आज 6000 सालों के बाद भी इन लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है गाइज। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि जिस पर्सन की ये लोग तारीफ कर रहे हैं मतलब ब्लड रिवर एम्परर या कोई लियो फेंग, ये लियो फेंग ऑलरेडी टियान चैन को अपना स्लेव बना चुका है और ये अपना बदला भी ले चुका है। इसी के बाद लियो फेंग इन लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है और फिर इन लोगों को बोलता है कि तुम्हारा स्पेस लॉकडाउन हटा दो, और इसी के बाद वो सब लोग एकदम से अपना स्पेस लॉकडाउन हटा देते हैं। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब लोग अपना स्पेस लॉकडाउन हटा देते हैं, लेकिन इनमें से जो स्नो एम्परर था मतलब स्नो हॉर्न एम्परर वो अपना स्पेस लॉकडाउन को नहीं हटाता, और गाइस पहले भी यही पर्सन था जिसने लियो फेंग की लोकेशन को डिटेक्ट किया था। इसी के बाद लियो फेंग इसको कहता अभी तेरे को क्या खुजली मच रही है, तू हटा क्यों नहीं रहा। तभी ये जो स्नो हॉर्न एम्परर होता है वो कहता है कि रुको रुको इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। इसी के बाद वो कहता है कि तुम सच्ची में काफ़ी अच्छे दोस्त हो टियान चैन के, जो उसके साथ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर खड़े हो और सबसे पहले भागते हुए आ गए हम सब लोगों से भी पहले, सच्ची में तुम दोस्ती हो तो तुम लोगों के जैसे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो ब्लड रिवर है तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी सारे वॉरियर्स ढूंढ रहे और तुम्हारे नाम के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बोली लगा के रखी हुई है कि जो भी तुम्हारी लोकेशन देगा उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, तो तुम इतने आसानी से ऐसे बाहर कैसे आ सकते हो। और इसी के बाद वो बाकी लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब मैंने ये जो ब्लड रिवर है इसके नाम का एक SOS सेंड करने की कोशिश की वर्चुअल आर्मी सिस्टम के अंदर, तो मुझे पता चला कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी आर्मी सिस्टम से पूरी तरीके से रिटायर्ड हो चुका है। जैसे ही बाकी सब लोग ये चीज़ सुनते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं क्या क्या ब्लड रिवर क्या ये सच्ची में रिटायर हो चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब लोगों को ये पता चल गया था कि जो ब्लड रिवर है वो ऑलरेडी आर्मी सिस्टम से रिटायर हो चुका है, तो उन लोगों को ब्लड रिवर के आर्मी सिस्टम वाली बात से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो लोग आज लियो फेंग को यहाँ पे मार भी देते तो जो आर्मी सिस्टम है वो शायद ही लियो फेंग के लिए इतना कुछ सोचेगी। और अभी आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि जो लियो फेंग है वो तो प्राइमल चॉ सिटी लीडर का ये डिसाइपल है, तो ये लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो गाइस लियो फेंग प्राइमल चॉ सिटी लीडर का डिसाइपल है, ना कि ब्लड फ्रेम एम्परर। ये जो ब्लेड रिवर एम्परर है ये टोटली एक दूसरी आइडेंटिटी है इस पर्सन की, और क्योंकि अभी इन लोगों को पता चल चुका था कि जो ये जो ब्लड रिवर एम्परर है ये ऑलरेडी आर्मी से पूरी तरीके से रिटायर हो चुका, तो अभी इनके दिमाग के अंदर वापस से काफ़ी सारी ख्याली पुलाव पक रहे थे और नए नए ख्याल आ रहे थे इनके माइंड के अंदर, कुछ इविल इंटेंशंस इवन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। तभी टियान चैन आगे आता और गुस्से में वो कहता है कि ब्लड रिवर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए और तुम स्टिल उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। तभी इसके बाद वो जो सामने वाला स्नोफॉल एम्परर होता है वो टियान चैन की तरफ कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुम अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। फिलहाल तो ये सब लोग मिलकर लियो फेंग से निपटना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये जो टियान चैन है ये आर्मी सिस्टम से अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ, और अगर इन्होंने टियान चैन को कुछ भी किया तो हो सकता था कि इनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन लियो फेंग को अगर ये लोग मारे और मार के यहीं पर ख़त्म कर दे तो यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी और इनको फ्यूचर के अंदर डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
इसी के साथ साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और काफ़ी सारे ग्रुप से यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके, और सब लोगों को ये चीज़ पता चलने लग जाती है कि ये तो ब्लेड रिवर है, और ब्लेड रिवर तो रिटायर हो चुका है, ये अभी आर्मी सिस्टम के अंडर में नहीं है, तो इसके अंदर में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब इसका प्रोटेक्शन करने वाला कोई भी नहीं है। आज हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन कैसे बच के जाता है। जब लो फैंक अपने अगल बगल में देखता है तो उसको पता चलता है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं उसको मारने के लिए। वो सोच रहा था लिटरली, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी जो आइडेंटिटी है ब्लड रिवर एम्परर नाम की, ये आइडेंटिटी लिटरली उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगी और इतने सारे लोग उसको मारने के लिए आ जाएंगे। लो फैंग एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि यहाँ पे जो लोग सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए आए थे वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर होंगे ह्यूमन कैंप वॉरियर्स के अंदर, और साथ ही साथ इस स्विमिंग पूल के, इसलिए वो इतने ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों को 30 से ज़्यादा टीम्स देखने के लिए मिल सकती थी, जिसके अंदर से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था लगभग लगभग 90 वॉरियर जो थे उसके अंदर प्रेजेंट थे, और 90 में से 30 प्लस पैनिकल वॉरियर्स और सोल मास्टर्स थे और एम्पर लिमिट लेवल के वॉरियर्स थे। तभी उनमें से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल के साथ कहता है कि मैंने सुना है कि जो पर्सन है ये एम्परर पैनिकल लेवल की स्ट्रेंथ का है, यट इसने काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स को मारा हुआ है, इसके पास ज़रूर कोई ना कोई ट्रू ट्रेजर होगा जिसकी वजह से ये इतने सारे लोगों को इतना आराम से मार पाता है। और वैसे भी सेक्रीफाइजल टावर का सारा ट्रेजर भी इसी पर्सन को मिला था, इवन इसने ब्लस बीस लेवल के पर्सन को भी बहुत बुरी तरीके से भगा दिया था मार के, पपो क्लॉक को मार दिया था और हैवी एरो को कोमा के अंदर डाल के अपना स्लेव बना लिया था। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं, वो जो पर्सन था वो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम गॉड क्रिस्टल के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए उसने उस टाइम इतना कुछ कर पाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच्ची के अंदर इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हाँ भले ही मैं मान सकता हूँ कि इसका जो डिफेंसिव ट्रेजर है वो काफ़ी ज़्यादा इंडीड पावरफुल होगा, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम गॉड क्रिस्टल से उसके एक्सप्लोजन के कारण इस पर्सन को कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के बाद हम लोग को एक जोर का और एक लाउड अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिलता है, जो इनमें से एक वॉरियर कर रहा था कि अटेंशन ऑल, ये जो पर्सन है ब्लेड रिवर एम्परर ये ऑलरेडी अदर रेसेस की टीम को भगा चुका है जो कि टियानचैन को मारने के लिए आई थी, और ब्लड रिवर ने ऑलरेडी टियानचैन को बचा लुआ है, और मैंने सुना था कि वो जो अदर रेसेस की टीम्स थी उनके अंदर काफ़ी सारे सेवरल एम्परर लिमिट्स के वॉरियर थे और सुना था कि उनके पास दो ट्रू ट्रेजर्स भी थे, और भले ही उन लोगों को भी ये जो ब्लड रिवर है इसने मार के भगा दिया, इसका मतलब ये जो ब्लड रिवर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसके पास एक से काफी सारे ट्रेजर्स होंगे, और कुल मिला के हम लोगों के पास इधर 90 वॉरियर्स से ज़्यादा वॉरियर्स है। अगर हम सब लोग मिलके इस पर्सन को मार दे तो उसके पास से जो भी ट्रेजर है वो सारे ट्रेजर हम लोगों को मिल सकते हैं। तो सोच लो तुम लोग, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मालदार पार्टी है और इसके पास एक नहीं काफ़ी सारे ट्रेजर्स होंगे। इवन थॉट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि ये सारे ह्यूमन कैंप के लोग थे, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर से बस एक ही ट्रू ह्यूमन था और वो था ची मैंग एम्परर। इसके बाद जो लो फैंग होता है वो चामैंग एम्परर की तरफ देखता और कहता है क्या तुम भी मुझे मारने चाहते हो। तभी वो जो पर्सन होता है वो पीछे हट जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें मारने में, मैं तो यहाँ पे बस देखने के लिए आया था। लो फैंग स्माइल कर देता है क्योंकि ये जो पर्सन था इस पर्सन को ऑलरेडी पता था कि ये जो पर्सन है ब्लड रिवर एम्परर, भले ही अगर ये आर्मी सिस्टम से रिटायर भी हो गया होगा फिर भी हॉन्ग अलायंस है और हॉन्ग अलायंस के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है और इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर आज ये लोग चूतिया लोग इसको ज़बरदस्ती अगर ऐसे इस तरीके से मार देंगे तो कल को इसके जो बैकग्राउंड में लोग हैं तो इसके लोग या फिर इसके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई आके ज़रूर इनका बदला लेके जाएगा। तो आज लालच करने से अच्छा और कल मरने से अच्छा तो है कि यहाँ से दूर ही रहो, ज़्यादा बेटर होगा। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट होती है कि जो ब्लड रिवर है ये एक ह्यूमन वॉरियर है और इवन थॉट ये रिटायर है लेकिन स्टिल ये एक ह्यूमन है, और इसके अंदर से तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये जो पर्सन है ये हॉन्ग अलायंस से भी और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड पर्सन है और साथ ही साथ ये ह्यूमन वॉरियर भी है। क्या तुम सब लोग मिलके एक ह्यूमन वॉरियर को मारना चाहोगे? तभी उनमें से काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो शोर मचाने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम में से कोई नहीं मारेगा, हम तो यहाँ पे बस टियानचैन की मदद करने के लिए आए थे, हम में से कोई इंटरफियर नहीं करेगा। अभी यहाँ पे दो टीम्स बन चुकी थी, ये जो 90 से 100 वॉरियर्स आए थे इनमें से आधे वॉरियर्स आगे आ गए थे और आधे वॉरियर्स पीछे हट चुके थे। लो फैंग इन लोगों को देखते हुए समझ जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम आधे लोग तो है जिनके अंदर दिमाग है, ये पूरी तरीके से पागल नहीं हुए हैं। तभी जो स्नो हॉर्न एम्परर होता है वो कहता है कि ये पर्सन कहीं से भी हो लेकिन मैं हॉन्ग अलायंस से नहीं हूँ, तो मुझे घंटा भी मतलब नहीं हूँ हॉन्ग अलायंस से और मैं तो इसके ऊपर अटैक जरूर करूँगा। और वो कहता है क्योंकि मैं हॉन्ग अलायंस से भी नहीं हूँ और साथ ही साथ आर्मी सिस्टम से तो ये पर्सन ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, तो मेरा और इस पर्सन का कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ गाइज एक और दूसरी टीम बन चुकी थी जो कि लो फैंग को अभी भी मारना चाहती थी क्योंकि उनको घंटा भी मतलब नहीं था, क्योंकि आर्मी सिस्टम से तो ऑलरेडी लो फैंग रिटायर हो चुका था जिससे उनको खतरा था, और दूसरी चीज़
ये लोग होंग लैंड से भी नहीं थे, इसलिए उनको लो फेंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और वो अभी भी लो फेंग को काफी ज्यादा ग्रीडी नजरों से देख रहे थे। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारे इसके अंदर से जो वॉरियर्स होते हैं वो फाइनली आगे बढ़ जाते हैं लो फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। इसी के बाद जो लो फेंग होता है वो जी होंग को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख देता है, और काफी सारे लोगों के पास काफी ज्यादा कोल्ड स्टेयर करने लग जाता है। वो ऐसे देख रहा था जैसे वो उन सब लोगों को खा जाना चाहता हो। और वैसे भी लियो फेंग ये तो समझ चुका था कि यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं है, तो इनमें से जब दो चार को वो खींच के झापड़ लगाएगा ना तो बाकी सब लोगों की ऐसे ही फटके हजार हो जाएगी। इसी के साथ ऑलरेडी काफी सारी टीम्स गैदर होना शुरू हो गई थी, और वो सब लोग एक साथ मिलकर लियो फेंग के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट हो चुके थे। लियो फेंग इन सब लोगों की तरफ देखता और स्माइल करता और कहता है चलो ठीक है, आज फाइनली मेरे को काफी ज्यादा टाइम लंबे टाइम के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने को मिलेगा। इसी के बाद लियो फेंग होता है अपने विंग्स को फड़फड़ाता और इसी के साथ वो स्ट्राइक लेवल को एक्टिवेट कर लेता है, और साथ ही साथ उसकी जो बीस्ट गॉड प्रेजेंस थी वो भी अभी इनक्रेडिबल हाई थी। लो फेंग की जो मूवमेंट स्पीड थी वो ऑलरेडी पहले से भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इतने सारे वॉरियर्स उसकी तरफ एक साथ अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लो फेंग को एक भी अटैक टच नहीं कर पा रहा था। लो फेंग इनमें से काफ़ी ज़्यादा आराम से एक सिल्वर कलर की लाइट के तरफ बीम के तरफ इधर से उधर उड़ता जा रहा था। इवन यहाँ पे इतने सारे वॉरियर्स थे लेकिन स्टिल इतने सारे वॉरियर्स मिलके भी लो फेंग को टच भी नहीं कर पा रहे थे, और जो लो फेंग था वो आराम से इधर से उधर उड़ते जा रहा था और इन लोगों के सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था। इसी के साथ जो बाकी के लोग थे जैसे कि चामेंग एम्परर और बाकी के लोग जो ऑलरेडी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए थे और वो बस वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ब्लड रिवर है ये इंडीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है, इसकी जो इंटेंसिटी स्पीड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड है। इतने सारे वॉरियर, इतने सारे स्पेस फ्रेगमेंट, साथ ही साथ इतने सारे पत्थर स्पेस के अंदर, लेकिन फिर भी वो इनमें से किसी पत्थर से नहीं टकरा रहा, और उसकी एजिलिटी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो इन सब चीज़ों से बच बच के इतना ज़्यादा आसानी से बच पा रहा है जैसे कि सब लोग चीज़ों के ऊपर मक्खन लगाओ। और साथ ही साथ इन लोगों ने ब्लड रिवर के बारे में और उसके स्पीड ग्रुप के बारे में इतना कुछ नहीं सुना था, उन्होंने बस इतना सुना था कि जो ब्लेड रिवर है इसके पास काफ़ी सारे पावरफुल प्लेस क्रिस्टल्स है, और उसके अलावा इसके पास एक ब्लेड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तक तो इस पर्सन ने अपनी ब्लेड की एबिलिटी को भी नहीं दिखाया था, और अभी इसके पास इन लोगों को लो फेंग की एक न्यू एबिलिटी का पता चला था कि ये जो ब्लेड रिवर है इसकी जो स्पीड है वो भी नॉर्मल एम्परर से काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। लेकिन गाइज इन घोचों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि जो लो फेंग है वो एक एम्परर लेवल का वॉरियर भी नहीं है, वो तो बस एक सेक्टर लॉर्ड है। और लेकिन ये लोग लो फेंग के लेवल को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि लो फेंग के पास उसके शावो विंग्स है जो कि पूरी तरीके से किसी भी दूसरे वॉरियर को उसके अंदर झांकने से रोक लेते हैं। लो फेंग के आर पास बस कोई यूनिवर्स लेवल का वॉरियर ही झांक सकता है, इवन एक ट्रू नाइट लेवल का वॉरियर भी लो फेंग को पूरी तरीके से नहीं जान सकता। इसी के साथ लो फेंग के ऊपर काफ़ी सारे सोल अटैक्स भी हो रहे थे, और ये सारे जो सोल अटैक्स थे वो लो फेंग जैसे इन सारे सोल अटैक को देखता है वो स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम सब लोगों को सच्चे में लगता है कि तुम इतने छोटे मोटे सोल अटैक से मेरे को इफेक्ट कर सकते हो। तो लो फेंग के बॉडी के अंदर को जो एक बड़ा सा बीच था छोटा सा जो कि गॉड हाउल बार बार कर रहा था, और उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ से गूंज रही थी कि वो अपने पास आने वाले सारे के सारे सोल अटैक्स को तुरंत ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन इसी के बाद जो लो फेंग होता है वो स्नो हॉर्न की तरफ देखता है और कहता है कि बाकी सब लोगों को तो फिर भी मैं छोड़ दूंगा, इन लोगों के लिए मेरे को वो टेंशन नहीं, लेकिन सुनो हॉन तुम्हारे काफ़ी ज़रा खुजली थी मुझे मारने की, तो इंस्टेंटली मैं तुम्हें आज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ जो लो फेंग होता है वो एक लाइट की बीम बचता है और अचानक से टेलीपोर्ट होते ही वो लो स्नो हॉन के सामने आके प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो जो स्नो हॉर्न होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जैसे ही लो फेंग उसके सामने आ चुका था वो सोच रहा था कि इतने सारे वॉरियर उसका पीछे कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई भी उनको टच नहीं कर पा रहा, और ये जो लो फेंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से एकदम इतनी ज़्यादा स्पीड से एकदम से उसके सामने आके प्रकट हो गया, और लो फेंग की आँखों के अंदर एक किलिंग इंटेंट भी उसको देखने के लिए मिल सकता था। इसका मतलब वो समझ चुका था कि जो लो फेंग है वो उसको मारना चाहता है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है लो फेंग के हाथों के अंदर 6 पर्पल कलर के ब्लॉक बॉल्स आ जाते हैं, और ये जो बॉल्स थे ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे ये सारे स्टार्स है, और गाइस ये जो सील स्टार्स है इनके ऊपर ऑलरेडी पॉइजन लगा हुआ है, मतलब फेमो पॉइजन, इसलिए पर्पल कलर के है। और गाइस ऐसे काफ़ी सारे काउंटलेस नंबर ऑफ स्टार्स है लो फेंग के पास, लेकिन लो फेंग इनमें से बस कुछ ही स्टार्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर बता दिया था कि लो फेंग इतने सारे स्टार्स को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, वो फिलहाल अपनी कॉन्शियसनेस और अपने विल पावर के साथ 10 स्टार्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टार्स को कंट्रोल करना शायद से उसकी भी औकात के बाहर होगा।
और आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि लो फेंग के पास तो 100 से भी ज़्यादा स्टार्स है जो अभी अब वो अपने साथ लेके घूम रहा है। तो गाइस वो जो 100 से भी ज़्यादा स्टार्स है उनको लो फेंग बस अपने स्टार मैप की मदद से कंट्रोल कर सकता है, और उन 100 से ज़्यादा स्टार्स के अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावर है कि वो ऑलरेडी एक नाइट लेवल के वॉरियर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए लो फेंग उन स्टार्स का कभी भी यूज़ नहीं करेगा, मतलब वो जब उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी या फिर उसकी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में होगी तभी वो उन सारे स्टार्स का यूज़ और अपने स्टार मैप्स का रिवील करेगा, क्योंकि वो इतने छोटे मोटे अटैक्स के अंदर या फिर इतने छोटे मोटे फाइट्स के अंदर अपनी स्टार मैप को पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकता। एट द एंड हर किसी के पास अपना अपना ट्रम्प कार्ड होता है और कोई भी पर्सन अपने ट्रम्प कार्ड को इतने आसानी से कैसे रिवील कर सकता। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग के हाथों के अंदर जो 6 पर्पल लिट ब्लैक बॉल्स आए थे वो एकदम से लो फेंग के हाथों से हवा में उड़ने लग जाते हैं उसके कॉन्शियसनेस के कारण, और एक वो बीस्ट गॉड डिसेंट स्काई टीयरिंग क्लॉ फॉर्म करते हैं, और जो क्लॉ था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसलिए लो फेंग की कॉन्शियसनेस के कारण कंट्रोल किया जा रहा था। एकदम से जैसे ये जो क्लॉ था ये जोर से हाउल करता है, मतलब जोर से दहाड़ता है, और जो 6 स्टार्स थे जो कि उसके कंट्रोल में थे, मतलब जिन्होंने इस क्लॉ को फॉर्म किया था, ये एकदम से स्नो हॉर्न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आने लग जाते। तभी स्नो हॉर्न है, वो समझ जाता है कि ये जो अटैक है वो काफी तो ऑर्डिनरी दिख रहा है लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसके बैक के ऊपर एक ह्यूज टर्टल लाइक शेल फॉर्म हो जाता है और उसी के आगे दो उसके हाथों के अंदर तलवारें आ जाती है जिसको वो क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, और इस वक्त जो पर्सन था स्नो हॉर्न ये बिल्कुल एक बड़ी सी कैची की तरह लग रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग का ह्यूज क्लॉ था वो आराम से इस सीजर के साथ क्लैश करता है, एक जोर का साउंड आता है ब्रूम, और इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारे जो स्पेस प्रेगनेंट्स थे वो एकदम से शॉक वेव्स के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। इवन ये जो बड़ा सा सीजर था ये भी पूरी तरीके से टूट फूट के फूट जाता है, और ये जो क्लॉथ था ये डायरेक्टली उस पर्सन के ऊपर गिरता है और तुरंत ये जो पर्सन था ये अपनी आधी अनडाइंग बॉडी को खो चुका था। लेकिन लो फेंग भी एक चीज़ समझ चुका था कि स्ट्रेंथ के मामले में जो पर्सन है ये सच्ची में एक एम्परर लिमिट का वॉरियर है, क्योंकि उसको मारने के लिए लो फेंग को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब उसकी जो जनरल सोल थी वो हल्की सी काप हो गई थी क्योंकि उसकी जो जनरल सोल थी वो एक टाइप से उस अटैक से कनेक्टेड थी, और जब वो जो अटैक था वो उस सीजर जैसे वेपन के साथ कराया था तो उसके बाद लो फेंग को भी हल्का सा झटका लगता है अंदर ही अंदर। इसी के साथ जो लो फेंग का हर एक बॉल था वो लगभग 5% किसी की भी गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और क्योंकि उसके पास 6 स्टार्स थे तो कुल मिला के जो पर्सन था इसके 30% बॉडी तभी खत्म हो गई थी। लेकिन तभी जो पर्सन होता है वो रिफॉर्म हो जाता है, वो हंसता है और कहता है क्या तुम सच्ची में मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम अपने अनडाइंग बॉडी को बिना बर्न किए तुम मुझे मार सकते हो, तो तुम सच्ची में सपना देख रहे हो करके। लेकिन तभी जैसी उसकी जो बॉडी होती है वो वापस से रिफॉर्म होती है तो उसको ऐसा कुछ फील होता है कि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कोई चीज़ छूट चुकी है, और इंस्टेंटली उसकी 35% गॉड बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसको पता चलता है कि वो जो 6 बॉल्स है वो कोई ऑर्डिनरी बॉल नहीं थे, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई पॉइजन लगा होगा। इसी के बाद जो लो फेंग है वो इसको ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहता था, और वो वापस से अपने 6 बॉल्स को कंट्रोल करता और इसकी तरफ देखता और बोलता है तुम मरो, और इसी के साथ वो वापस से अपना अटैक कर देता। लेकिन तभी उसको पीछे से एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, ब्लड रिवर एम्परर, और इसी के साथ लो फेंग के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हटोड़ा उड़ते हुए आ रहा था जो कि लगभग 300 मीटर टॉल था, और ये ब्लैक लाइटनिंग हैमर जो था वो पूरी तरीके से आसपास के स्पेस को फाड़ते हुए चीरते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था। लो फेंग समझ चुका था कि ये कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं है और लो फेंग इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। इवन उसके पास वो विंग्स थे लेकिन उसके बाद भी वो उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। तभी वो अपने लेफ्ट हैंड को वेव करता है, अपने 8 ब्लैक बॉल्स को बाहर निकालता है और उसको लॉस के साथ इंफ्यूज करता है, और साथ ही साथ अपने ह्यूज बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन के साथ वो इन सारी चीज़ों को बनाता है, और साथ ही साथ एक 8 स्काई टीयरिंग क्लॉ बनाता है जो कि उसने अपने कॉन्शियसनेस की मदद से बनाया था, और ये कंडेंस होने के बाद बिल्कुल ही रियल लग रहा था। गाइज ये जो 8 बॉल थे इन्होंने एक बड़ा सा फिगर फॉर्म कर लिया था हवा के अंदर जो कि एक बीस्ट गॉड था, जिसकी एक लंबी से टेल भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यू 100 मीटर्स लॉन्ग थी। जैसे ही ये जो बीस्ट गॉड होता है वो हाउल करता और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस लाइटनिंग हैमर की तरफ आगे जाता है। गाइज ये जो टेक्निक थी जो कि लो फेंग यूज़ कर रहा था, मतलब बीस्ट गॉड आर्मानेंट, इसके काफ़ी सारे फॉर्म्स थे, और फिलहाल लो फेंग इनमें से 6 फॉर्म्स को जानता था जिसके अंदर से वो 3 फॉर्म्स को यूज़ कर सकता था। जो फर्स्ट फॉर्म था वो बीस्ट गॉड डिसेंट था, और जो सेकंड फॉर्म था वो विप्स था। जो पहले लो फेंग ने स्नो हॉर्न के ऊपर किया था अपने 6 बॉल्स के साथ वो बीस्ट गॉड डिसेंट अटैक था, और इसी के साथ ये जो अटैक अभी लो फेंग ने किया जिसके अंदर उसने 8 अपने बॉल्स का यूज़ किया, इसके ये एक बीस्ट गॉड विप्स अटैक था। और फिलहाल के लिए तो ये लो फेंग का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था जो कि वो यूज़ कर सकता था नैनशेंट 7 फॉर्म सेकेंड वॉल्यूम को पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद। इसी के बाद हम लोग को एक जोर का क्लैश देखने के लिए मिलता है जो कि उस हैमर और उस बीस्ट के बीच में हुआ था, और जो बीस्ट था वो लो फेंग के बॉल्स के कारण फॉर्म हुआ था।
ये जो हैमर होता है वो जैसे ही लुओ फेंग के उस बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन से टकराता है, वैसे हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो बड़ा सा बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन था उसकी जो पूछ थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कपकपाने लग जाती है, और एकदम से वो जो बीस्ट गॉड प्रेजेंस था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके अंदर के जो छः बॉल्स थे वो वापस से लुओ फेंग के लेफ्ट हैंड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद लुओ फेंग उसकी फोर्स को जैसे तैसे करके अपने शाओ विंग से अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी वो पीछे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग को ये भी देखने के लिए मिल सकता था कि वो जो थंडर हैमर था वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक उड़ता हुआ चला गया था इस डोर के एक्सप्लोजन के कारण। तभी हम लोगों को एक जायंट देखने के लिए मिलता है जो कि लगभग 20 मीटर टॉल था, और उसने ब्लैक कलर का आर्मर पहना हुआ था, और वो इस थ्रोन को बहुत अच्छी तरीके से कैच कर लेता है, और वो लुओ फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहता है, ब्लड रिवर एम्परर, तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मिल ही गए। इसी जैसे लुओ फेंग उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ये और कोई नहीं है, ब्लैक टी एम्परर था। गाइस जब पिछले बार जो जो सील स्टार थे वो जब गिरा था तब ये जो ब्लैक टी था वो स्टार टावर के अंदर नहीं गया था, लेकिन ये मत समझना कि जो ब्लैक टी ये कमज़ोर है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एम्परर है, जैसे कि लाइफ पॉल एम्परर और बाकी सारे एम्परर पॉपुलर है, वैसे ही ये भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर एम्परर है, और इसको भी एक जीनियस माना जाता था। गाइस ये जो फोर कैंप्स थे आउटर रीजन के अंदर, इन सब लोगों के अंदर लगभग लगभग काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग वॉरियर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, जिस तरीके से लाइफ वॉल एम्परर है, डायलॉग एम्परर है, नाइन चेंग एम्परर है, सेवन ब्लेड एम्परर है, और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स थे, और इन्हीं में से जो ब्लैक टी वॉरियर था वो भी एक था, जो कि ह्यूमन कैंप के अंदर से ही था, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। लेकिन ये जो पर्सन था ये दूसरे डिस्टिंग यूनिवर्स रीजन का था, और ये हॉन्ग एलायंस का नहीं था, और इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा ट्रू ट्रेजर था जो कि था इसका यू हैमर, और इसी के हैमर के कारण इसका नाम ब्लैक टी का रखा गया था। जैसे ही बाकी लोगों को पता चलता है कि ब्लैक टी है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वो कहते हैं, अरे ये तो ब्लैक टी है और ये कितना ज़्यादा फास्ट है, अभी ये ब्लड रिवर ये तो गया काम से, यहाँ पे ब्लैक टी वॉरियर आ चुका है, और ब्लैक टी के सामने हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, अभी लगता है कि जो ब्लड रिवर एम्परर का जितना भी ट्रेजर है वो सारा ये ब्लैक टी उठा के लेके आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक टी के सामने किसी के भी अंदर इतना दम नहीं था कि वो उसके सामने मुंह खोल के रख सके। सब लोगों को ऑलरेडी पता था कि जो ब्लैक टी एम्परर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वो सब लोग सोच रहे थे कि जो ब्लड रिवर है भले ही कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये ब्लैक टी के सामने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिसएडवांटेज के अंदर है। इसके साथ मेरे को हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो जितने भी बाकी के वॉरियर्स थे जो भी लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो सब लुओ फेंग के ऊपर अटैक करना ऑलरेडी रुक चुके थे, और वो सब ऑलरेडी नीचे जा चुके थे और अपनी उम्मीदें खो चुके थे, अभी वो बस लुओ फेंग और ब्लैक टी के बीच की फाइट देख रहे थे। इस वक्त पूरे के पूरे स्पेस के अंदर हम लोगों को कुल मिला के दो सेल्ट आउट देखने के लिए मिल सकते थे, और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था, वही दूसरे तरफ दूसरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन हाउ एयर दोनों की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो सिच्चे में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जो कि आसपास के स्पेस को भी पूरी तरीके से क्रम्बल कर रही थी। तभी जो ब्लैक टी होता है वो मन ही मन सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है ब्लेड रिवर एम्परर, ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसने मेरे डेमोनिक ब्लैक कलर के हैमर को रिसीव किया, तो सच्ची में ये कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और जब से मैं आउटर रीजन वॉर के अंदर आया हूँ बहुत कम लोग हैं जो कि मेरे इस पावरफुल हैमर को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अभी लिटरली मेरे खून काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उबल रहा है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो, चलो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैंने किसी भी पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट नहीं की, फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हारे साथ अपना एक टेस्ट मैच खेलूंगा। लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली स्टेयर कर रहा था, लुओ फेंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो डर चुका है। तभी लुओ फेंग इस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे को जानते हो, इसका मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, लेकिन देखते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी के अंदर कितना ज़्यादा दम है। और इसी के साथ लुओ फेंग भी इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लग जाता है। इसी के साथ उसका जो हैमर होता है वो वापस से लाइटनिंग बोल्ट के साथ थॉर का हैमर बन जाता है, और वो अपने हैमर को टॉस करता है, वो लाइटनिंग लाइक स्पीड के साथ लुओ फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुँच जाता है, और उसकी जो स्पीड थी वो लुओ फेंग जितनी भी थी, लेकिन भले ये जो पर्सन था इसकी स्पीड कितनी भी हो, लेकिन लुओ फेंग के पास उसके शाओ विंग्स थे, जिसके कारण लुओ फेंग जो था वो नॉर्मल बींग्स को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देता था स्पीड्स के मामले में। लुओ फेंग जैसे तैसे करके उसके ब्लैक टी के हैमर से काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंच जाता है, और अपने विंग्स को पढ़ पाते वो स्ट्राइक लेवल को एक्टिवेट कर लेता है, और वो इजिली इसके काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भागने की कोशिश कर रहा था, और इसके सारे के सारे अटैक्स को आराम से डॉच कर रहा था। तभी जो लुओ फेंग होता है वो अपने 8 ब्लैक बॉल्स को भी हवा के अंदर छोड़ देता है, और उसके जो 8 ब्लैक बॉल्स थे वो हवा में इंस्टेंटली आपस में मिलते हैं और वापस एक बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। और गाइस ये बोलने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लुओ फेंग की टेरिफाइंग विल पावर है वो ऑलरेडी किसी भी नाइट लेवल के वॉरियर की विल पावर को एग्जीट कर चुकी है इस बार, क्योंकि लुओ फेंग ने काफ़ी ज़्यादा दम लगा के अपना बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन फॉर्म किया था, इसलिए जो प्रोजेक्शन था वो लगभग लगभग 100 मीटर लॉन्ग था। लो जो सामने वाला ब्लैक टी था वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था लुओ फेंग के इस अटैक को देखते हुए, क्योंकि ये लिटरली एक स्पिरिट वेपन था जो कि अपना फॉर्म ले रहा था, और इसकी जो स्पीड थी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। इसी के साथ सीन चेंज जो था, हम लोगों को ब्लैक टी की शक्ल दिखाई जाती है, जो ब्लैक टी था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, वो कहता है, इंडीड इस अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, चलो देखते हैं कि तुम में कितना ज़्यादा दम है।
जो पिछले बार अटैक किया था ब्लैक टी ने, वो तो उसने बस ऐसे अपने हैमर को फेंक दिया था, लेकिन इस बार जो ब्लैक टी होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने हैमर को घुमाने लग जाता है थॉर की तरफ, और आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से कांपने लग जाता है। इवन आसपास का स्पेस टूट के छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्ट्रीम पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अपनी फुल स्पीड और फुल पावर के साथ इसको स्विंग करता है और ये जो बीस्ट गॉड की टेल थी इसके तरफ फेंक देता है। गाइज इसने अपने हैमर के थ्रू लो फैंग के बीस्ट गॉड प्रेजेंस के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये लो फैंग का बीस्ट गॉड प्रेजेंस था इसलिए इसकी भी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। ये आराम से उस हैमर को डॉच कर लेता है। इसी के बाद ये जो पर्सन होता है वो गुस्से में आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हुए जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाता है। और वो जैसे ही अपने हाथ को पीछे करता है और अपने हैमर को पुकारता है, तो जब तक उसके हाथों के अंदर उसका हैमर आता है तब तक ये जो बीस्ट गॉड प्रेजेंस था ये इसको एक धरके एक अपने शपुट से उठा के मारता है और ये जो पर्सन था ये दूर उड़ते हुए चले जाता है। तभी जो लो फैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए हंसता है और बोलता है कि ब्लैक टी तुम्हारे जो हैमर है वो सच्ची में काफी ज्यादा स्लो लग रहा है। इसी के साथ लो फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए वापस से अपने बीस्ट गॉड प्रेजेंस को कंट्रोल करता है और इसके एक और बार अटैक कर देता है। इसी के साथ आज का ये वाला जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।